गब्बर साहब आई जी, गब्बर साहब छोड़ो जी, तुम पहला ऑटो मेरा भाई, थोड़ा ये करो ना, ये करो ना, सुनो जरा, बस यहाँ से पांच लोग आ जाओ, बस बस बस, अरे आज हमारे लिए नहायत ही गम और अफसोस की बात है कि आज चंद दिन पहले महाराष्ट्र के इलाके में एक पंडित ने, मलऊन ने और जालिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और गुस्ताखी करना ये अल्लाह के साथ चैलेंज करना है। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रब्बुल जलाल फरमाता है, और क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन इस मुल्क में जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं और हर रहने वाला एक दूसरे धर्म का एहतराम करता है, एक दूसरे पर, और वो इस दुनिया में रुस्वा और जलील होने के लिए तैयार हो गए। यहाँ यहाँ पर ये सारा मजमुआ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, और सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हैं, और मौत तक कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमारी जिंदगी पूरी हो सकती है, क्योंकि शिफात का सबसे बड़ा अख्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है। कल क़यामत के मैदान में सारी दुनिया परेशान हो जाएगी, तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और तुम्हारे लिए शिफात करेंगे और जन्नत में हम सबको दाखिल करवाएंगे। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत है और उनकी अजमत है, और ऐसे पैगंबर की शान में उस जालिम ने, उस बदबख्त ने और उस मलून ने एक गुस्ताखी की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके की गलत हरकतें करते हैं।
हालांकि आपके किरदार, आपके अखलाक और आपका रहना सहना सारी इंसानियत और सारे खैर लोग कहते थे ये दुनिया में सबसे बेहतरीन रसूल है, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन पैगंबर है। आज हमें तकलीफ हुई, आज हमें अफसोस हुआ, आज हमारे दिलों की धड़कनों को जो है बंद करने की कोशिश की गई और इस मुल्क के, इस देश के, इस अच्छे माहौल को बर्बाद करने के लिए और यहाँ गंगा जमनी तहजीब को मुंतशिर करने के लिए एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि एक दूसरे के साथ कैसे लड़ा जाए, एक दूसरे के पेशवाओं को कैसे बुरा कहा जाए, इस तरीके की हरकत करके लोगों में इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त में यहाँ के तमाम, यहाँ की मीडिया और यहाँ के तमाम पुलिस वाले और यहाँ पर हमारे डीसी साहब और दीगर लोग यहाँ पर जमा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये इल्तिजा है, हमारी ये गुजारिश है कि आपके हमारा ये पैगाम आप यहाँ के अपनी हुकूमत को पहुँचाइए ताकि उस जालिम को गिरफ्तार करें और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर सर इधर देखो सर, मुस्ताक नबी की एक ही सर, सर सर इसके खिलाफ एक एफआईआर चाहिए। ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಿವರಣವನ್ನು हम तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का और ख़ास तौर पर हमारे डीसी साहब और एडिशनल एसपी साहब और तमाम सर्कल्स का और डीएसपी साहब का और एसपी साहब का और यहाँ पर जितने हमारे दरमियान में पुलिस वाले आए हैं, हम दिल की गहराई से सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी रहबरी फरमाई, आपने हमारी खिदमत फरमाई। अल्लाह आपके दरबार को कबूल फरमाए और आपको अल्लाह सेहत के साथ जितने नौजवान बीदर से आए हैं, मुख्तल इलाकों से आए हैं, हमारे भाई और जितने भी उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जज्बात को कबूल फरमाए, मेमोरेंडम गवर्नर तक पहुंचे और खामोशी के साथ अपने अपने इलाके को रवाना हो जाइए और हम के साथ अफसोस के साथ जाइए। अल्लाह ताला जो है हम रसूल की उम्मत ही है, इतना बड़ा हादसा हुआ है और हम जिंदा है, इसलिए अफसोस के साथ हम जाएं और शरीफ इसके साथ।